हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसर वनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मित्रों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो भी लोग धनु लग्न के हैं वो अपनी कुंडली को कैसे देखें बिना किसी ज्योतिष के पास, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हुए कुंडली कैसे देखें, क्योंकि अगर आप मेरे पास में आओगे दिखाने के लिए तो मैं तो पैसे लूंगा, किसी के पास में जाओगे तो वो तो पैसे लेगा क्योंकि वो आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आपका ये सीखना, आपका ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम तीन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि धनु लग्न के कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का मालिक है, कौन सा ग्रह आपको जिंदगी में क्या दे सकता है। दूसरा हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो आपको जिंदगी में अच्छे रिजल्ट दे सकता है और कौन सा वो ग्रह है जो आपके जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। तीसरा इस कुंडली में हम चर्चा करेंगे, इस लग्न की कुंडली में ये देखना सीखेंगे कि धनु लग्न वालों को कौन सी रत्न धारण करनी चाहिए जो हमने हाथ में कर रखी है, उंगली में आप देख रहे होंगे, और कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा वो रत्न है जो आपको जिंदगी में धारण करने से अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सा वो रत्न है जिसको धारण करने के बाद जिंदगी परेशानी में और ज्यादा घिर जाएगी। आइए एक एक विषय पर मैं चर्चा करते हैं और आपको बताता हूं। मित्रों सबसे पहला भाव जो आपके शरीर का है, जो आपके पूरे बॉडी का जो मालिक है वो आपके कुंडली में बृहस्पति देव है। जो अगर आप चाहते हो कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, आप चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आप चाहते हो कि आपका मस्तिष्क कमाल का काम करे, तो इसके लिए आपको बृहस्पति देव की जो है सो पूजा करनी होगी, बृहस्पति ग्रह की पूजा करनी होगी, तब जाकर के आपका पूरा बॉडी काया जो है, ये तन जो है वो आपका सही रहेगा क्योंकि ये भाव तन का है। दूसरा भाव जो है वो धन का है, यानी कि आप चाहते हो कि आपको जिंदगी में खूब पैसा हासिल हो, बहुत पैसा आए, पर्याप्त पैसा जमा कर पाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको शनि देव की पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि आपके दूसरे भाव के मालिक शनि देव हैं। तो जिंदगी में पैसा कमाने के लिए नहीं, स्टोरेज करने के लिए, कमाने का अलग नियम है और स्टोरेज करने का अलग नियम है। तो अगर आप स्टोरेज करना चाहते हो, धन जमा करना चाहते हो, कितना भी कमा लो और जमा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना करो, शनि देव की पूजा करो क्योंकि वही आपके जिंदगी में धन जमा करने के मालिक हैं। तीसरा अगर आपका भाई बहन के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, भाई बहन के साथ संबंध खराब हो जाता है, बार बार छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप छोटी छोटी यात्राएं करके परेशान हो जाते हो, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और फल की प्राप्ति बहुत कम होती है, तो आपके कुंडली में इन सब के मालिक भी शनि देव ही हैं। तो अगर ये सब परेशानी आ रही है और इस परेशानी से आप निजात पाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको शनि देव की ही पूजा करनी चाहिए। चौथा आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है, आपको जमीन से संबंधित विवाद हो रहा है अथवा जमीन प्राप्ति ही नहीं हो पा रही, बहुत दिन से सोच रहे हो कि मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए लेकिन वो जमीन ही नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो, आपको जमीन भी है, प्रॉपर्टी भी है, पैसे भी है लेकिन मकान नहीं बन पा रहे हैं, तो इन सब को मजबूत करने के लिए हृदय से संबंधित परेशानी आ रही है, हो सकता है हार्ट अटैक वगैरह आपको परेशान करे, तो इन सब से बचने के लिए आपके कुंडली में इसके मालिक हैं बृहस्पति देव, तो इन सब से बचने के लिए आपको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में आप एवरेज हो, तेज नहीं हो पा रहे हो, क्लास में आपको एक कमजोर विद्यार्थी समझा जा रहा है, आपका बुद्धि खूब तीक्ष्ण नहीं है, बढ़िया से काम नहीं करता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे नालायक हो गए, पेट से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, लव और रोमांस में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका से खूब लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, अचानक से धन हानि हो जाती है, अचानक से धन लाभ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मंगल देवता की पूजा करनी है क्योंकि आपके कुंडली में इसके मालिक मंगल देवता है। जिंदगी में रोग ज्यादा परेशान कर रहा है, दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और कर्ज बार बार हो जा रहा है, निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हो, पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, बार बार कुछ ना कुछ टेंशन लगा ही रहता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते ही रहते हो,
तो इन सब से बचने के लिए आपको चाहिए कि इसके मालिक आपके कुंडली में शुक्र देवता है, यानी कि उनकी पूजा करो, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करो। पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं बैठ रहा है, अच्छी पत्नी नहीं मिल पा रही है, पति के साथ संबंध बढ़िया नहीं बैठ रहा है, अच्छा पति नहीं मिल पा रहा है, काम धंधा बेकार चल रहा है, रोजगार सही नहीं चल रहा है, व्यवसाय सही नहीं चल रहा है, और आपको बता दूं कि आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी आ रही है और आपका पार्टनरशिप में परेशानी आ रही है, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए, निजात पाने के लिए इसके मालिक हैं आपके कुंडली में बुध देव। ये देखो कहीं बुध देव तो गलत घर में तो नहीं बैठे हुए हैं, मारक तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, तो इस सब को सही करने के लिए बुध देव की पूजा करनी चाहिए आपको, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, एक छोटी सी काम के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रुकावटें आती है, कर करके थक चुके हो, अब लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। हायर रिसर्च में जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, बड़ी पढ़ाई करना चाहते हो, रिसर्च करके साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हो, रुकावट ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रही है, बार बार एक्सीडेंट किए जा रहे हो, घाव हो रहा है, ये सब परेशानी आपको हो रही है, तो इसके लिए आपके कुंडली में मालिक है चंद्रदेव। इन सब को प्राप्त करने के लिए, इन सब को इन सब से निजात पाने के लिए, इन सब से दूर होने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, रुकावट को दूर करने के लिए, हायर रिसर्च में जो परेशानी आ रही है उसको दूर करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वैदिक मंत्र का जाप करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए छोटा मंत्र बता रहा हूं। पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, पिता का काम धंधा सही नहीं चल रहा है, भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेहनत तो करते हो लेकिन थोड़ा से चुक जाते हो, ऐसा लगता है कि अब होने वाला है लेकिन वो नहीं हो पाता है। धर्म के क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट नहीं जागृत कर पा रहे हो, आपका धर्म धार्मिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन सब को जांग में बार बार चोट लग जा रही है, जांग में दर्द रहता है, तो इन सब बीमारी को, इन सब परेशानी को दूर करने के लिए आपके कुंडली में मालिक है सूर्यदेव। आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, ओम सूर्यदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको रोज एक माला जाप करना चाहिए, सुबह में सूर्य को रोज जल देना चाहिए। काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, सीनियर्स के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहता है, जहां पर मैं बिजनेस करते हो उसमें आपको बार बार लॉस हो रहा है, जहां पर मैं जॉब कर रहे हो आपके सीनियर जो है आपको देखना नहीं चाह रहे हैं, आपसे जलन ईर्ष्या भाव उनको हो रही है, वो आपके प्रोग्रेस में, वो आपके प्रमोशन में बाधा बन रहे हैं, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सरकार से लाभ लेना चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिल पा रही है, तो इन सब को प्राप्त करने के लिए, इन सब परेशानी को दूर करने के लिए आपके कुंडली में इसके मालिक है बुध देव। आपको बुध देव की पूजा करनी चाहिए, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिंदगी में लाभ नहीं ले पा रहे हो, पैसा कमा ही नहीं रहे हो तो जमा कहां से कर पाओगे, आमदनी ही नहीं हो पा रही है, परेशान हो चुके हो, मेहनत कर करके थक चुके हो, अब लग रहा है कि अब भैया कुछ नहीं होने वाला है, अब तो लग रहा है कि ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। मेरे पास कॉल आते हैं, लोग बताते हैं कि 40 वर्ष निकल गई पंडित जी, 50 वर्ष निकल गया, 60 वर्ष निकल गया, अब क्या कर पाऊंगा मैं। जिंदगी, किस्मत कभी भी बदल सकती है, जरूरत है तो सही जगह पर मैं क्लिक करने की। अगर आपको किसी को कॉल लगाना है तो मोबाइल में अगर कॉल वाले टैब पर मैं क्लिक नहीं करके आप सेटिंग पे बार बार क्लिक किए जाओगे उससे कॉल नहीं लग पाएगा, गेम वाले ऑप्शन पे क्लिक किए जाओगे कॉल नहीं लग पाएगा, कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक किए जाओगे कॉल नहीं लग पाएगा, ठीक उसी प्रकार से 60 वर्ष क्यों ना बीत गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो देखा है 6-6 महीने में हमारे द्वारा बताए गए उपाय से 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहने वाले, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में रहने वाले लोगों का, जिनको बच्चे ने छोड़ करके चले गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई काम का कोई साधन भी नहीं है, और जब कुंडली मैंने उनकी देखी और मैंने उनके 11 भाव को एक्टिवेट किया, लाभ आना शुरू हो गया, उनका काम धंधा करने की इच्छा होने लगी, काम शुरू कर दिया उन्होंने, और उनका काम उन्होंने ज्यादा नहीं सिर्फ 4-6 महीने के अंदर में उनका एक्टिवेट हो गया, उनका सब सही चल, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, क्या इतनी शक्ति होती है मंत्र में। वो लोग क्योंकि इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको प्रैक्टिकल दिखाया। तो उसके लिए आपको शुक्रदेव की आराधना करनी होगी, शुक्रदेव की पूजा करनी होगी, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना होगा। जिंदगी में खर्चा बहुत हो रहा है, आमदनी तो कम हो रहे हैं, पैसा बर्बादी ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगा रहे हो, कोर्ट केस कचहरी में फंस रहे हो,
उसके बाद बता दूं कि आपको अपने घर से दूर बार बार जाना पड़ रहा है, इच्छा नहीं हो रही जाने की, फिर भी जाना पड़ रहा है। आप चाहते हो कि विदेश में सेटलमेंट हो जाए, NRI बन जाऊं तो मजा आ जाएगा। उसके बाद वहां से दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान कर रहा है, रोग परेशान कर रहे हैं, कर्ज में जा रहे हो, फालतू का बर्बादी हो रहा है, हानि हो रही है धन की, तो इन सब से बचने के लिए अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपके कुंडली में मांगल मालिक है मंगल देव। तो इसके लिए आपको एक छोटे से मंत्र का जाप करना होगा, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का आपको रोज एक माला जाप करना होगा। ऑटोमेटिक है कि वो भाव जो है उससे जो बुरा फल है उससे संबंधित वो दूर हो जाएगा, मंगल देव उसको दूर कर देंगे। तो अब आप ये समझ चुके कि आपके कुंडली में कौन से भाव का मालिक कौन है और किससे आपको अच्छा चीज प्राप्त करना है और किससे बुरा चीज को प्रार्थना करके दूर करना है। बहुत ही ध्यान से समझना बातों को, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कुंडली में। तो ये आप समझ चुके। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी पॉइंट है वो है कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। आपके कुंडली में कौन से वो ग्रह हैं जो योग कारक हैं और कौन से वो ग्रह हैं जो मारक हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह का जब समय आता है तो जिंदगी बदल जाती है। साल 6 महीने में लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं, जैसे कि मैं बन गया। और मैं मानता हूं इस चीज को, मैं ज्योतिष में विश्वास पूर्ण रूप से करता हूं, क्योंकि वेद का नेत्र है ज्योतिष, आंख है ज्योतिष। अगर आंख ही नहीं रहेगा तो देख पाओगे क्या? अंधेरे कमरे में सांप है, किसी ने कह दिया कि सांप है सांप है, हल्ला कर दिया, आपका कमरा अंधेरा है, अब आप डर के मारे ही मर जाओगे। भाई सांप कहाँ है आपको पता नहीं है, और उसी कमरे में लाइट चल रही है, किसी ने बोला कि सांप है, आपकी नजर पड़ गई उस कोने में सांप है, आप डर के मारे मरोगे नहीं, आपको भय लगेगा और उससे निकलने का रास्ता आप तुरंत चुटकी में खोज लोगे। तो वही है ज्योतिष शास्त्र। आप अंधेरे में पड़े हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, आपको अपने शक्ति का एहसास ही नहीं है, आपको ये मालूम ही नहीं है कि कौन से भाव को एक्टिवेट करना है, कौन से ग्रह को एक्टिवेट करना है जो हमारे जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। तो इसलिए आइए उस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, धनु लग्न की कुंडली में शनि शुक्र और चंद्र, शनि शुक्र और चंद्र, शनि आपके दूसरे भाव का मालिक धनेश, शुक्र आपके छठे भाव का मालिक रोगेश, और चंद्रमा आपके अष्टम भाव का मालिक अष्टमेश। ये तीनों आपके कुंडली में मारक हैं। ये आपके कुंडली में कभी भी अच्छा फल जिंदगी में नहीं देंगे, परेशान हो जाओगे। अगर इसमें अगर उपाय नहीं किया गया, इसको शांत नहीं किया गया, इसका पाठ नहीं किया गया, जाप नहीं किया गया, दान नहीं किया गया इससे संबंधित, तो जब भी इसका समय आएगा जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और फिर कहोगे कि यार कुंडली तो दिखाई थी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके कुंडली में गुरु मंगल बुध और सूर्य, गुरु मंगल बुध और सूर्य जो है ये आपके कुंडली में योग कारक है। गुरु मंगल बुध और सूर्य, इसका जब भी समय आएगा आपकी जिंदगी बदलेगी, आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और आपको बता दूं कि आप अगर चाहते हो, बारिश आ गई है, बहुत संक्षिप्त में वीडियो खत्म कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो रत्न धारण करना तो जिंदगी में कभी भी शनि का शुक्र का और चंद्रमा का रत्न मत धारण कर लेना, नहीं तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। शनि शुक्र चंद्रमा के अलावा आप सभी ग्रह का रत्न धारण कर सकते हो राहु केतु को छोड़ करके, शर्त यह है कि वो ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए और 6, 8, 12 में नहीं रहना चाहिए, फिर आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी व्हाट्सएप पर में, अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दो ताकि सही लोगों के पास पहुंच सके और लोग इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि आपके साथ बहुत चीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीट हो रहा है और आप भी उसमें खोए जा रहे हो। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने सभी लोग अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर मैं इसको शेयर कर दो, व्हाट्सएप में जितने ग्रुप से जुड़े हुए वहां शेयर कर दो, अपने स्टेटस में लगा दो ताकि ये सही जानकारी सही जगह पर पहुंच पाए। और अगर आपको पसंद आया और आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।